बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले सरवर भाई आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि हम छोटे काश्तकार की आवाज़ जो है आप ऐवानों तक पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं और हमारी आवाज़ आला ऐवानों तक पहुंचाते हैं। तो गंदम की पॉलिसी के हवाले से बदकिस्मती ये है कि पिछले साल इस गवर्नमेंट ने यूक्रेन से गंदम मंगवाकर 100 अरब रुपए की दिहाड़ी लगाकर निगरान हुकूमत ने हम किसानों की गंदम का 3900 रुपए रेट देकर फिर उसको टके टोकरी करके खरीदारी से इनकार करके हमारी गंदम 2200-2300 में जो है उसको जो है टके टोकरी करवा दिया। किसान के पास अब भी वो गंदम पड़ी है। और फिर दूसरी ज्यादती इस गवर्नमेंट ने हमारे साथ ये की कि आज पंजाब सीट को इन्होंने कहा है कि आप किसान को 50 किलो का जो बैग है ना वो दें 6300 में, 6300 में। अब ये दोनों यार हमसे क्यों है कि हमसे गंदम 2300 रुपए में खरीदी गई और हमें वही गंदम 3 गुना बढ़ाकर 6000-6500 में दी जा रही है। तो जहां तक मौजूदा पॉलिसी का ताल्लुक है, गवर्नमेंट ने महकमा फूड बंद किया हुआ है और पिछले दिनों में पाकिस्तान की जरात में एक ऐसा मनहूस दिन आया कि एक व्यापारी ने अपना जो है उसने दिल गुर्दा बड़ा किया और उसने 2800 रुपए में किसान की गंदम खरीदी। तो इंतजामिया फौरन हरकत में आई, पंजाब गवर्नमेंट हरकत में आई और उसके खिलाफ FIR दे दी कि आपने 2650 में से क्यों ऊपर रेट लिया। तो अभी तक उन्होंने कोई पॉलिसी का ऐलान नहीं किया। जब मोहतरमा ने फूड सेंटर बंद किया हुआ है तो फिर किसान जहां मर्जी बेचे, जिस रेट में बेचे, उसका तो फिर कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। अब अभी तक गंदम की बिजाई सर पर आ गई है, ना किसान के पास पैसे हैं, ना उसके पास जराए हैं, ना वसायल है, ना उसको रेट का बताया जा रहा है। अभी गवर्नमेंट एक रेट का अनाउंस करे कि हम इस रेट में हम गंदम खरीदारी करेंगे या नहीं करेंगे। अगर करेंगे, इस रेट से करेंगे, तो हम उसके मुताबिक अपने मदाखिल इस्तेमाल करें ताकि हम हर साल यहां 3 माह फसल में नुकसान तो ना उठाएं। अगर नहीं खरीदनी तो वो बता दें। तो एक और जो लम्हा फिक्रिया बात है वो मैं मीडिया वाले भाइयों को ये जरूर बताऊंगा कि काश्तकार तकरीबन 50% जो काश्तकार है वो गंदम का बायकॉट कर चुका है। तो अगले साल मैं देख रहा हूं, जो मेरी राय है, मैं देख रहा हूं कि अगले साल इन्हीं दिनों में मैं लोगों को आटे की लाइनों में कतारों में लगकर आटा लेते देख रहा हूं, क्योंकि कोई गवर्नमेंट की तरफ से इंतजाम नहीं है, वो गंदम की काश्त करवाने में दिलचस्पी नहीं रखते। तो इसलिए मैं देख रहा हूं कि काश्तकार जो है दूसरी फसलों पर जा रहे हैं, सरसों है, केनोला है, बिलंगो है, तंबाकू है, सूरजमुखी है और इस तरह की आलू है, दीगर काफी फसलात हैं जिनमें वो जा रहे हैं। और कुछ काश्तकार ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि हम जमीन फरी छोड़ देंगे और हम फरवरी में जो है एडवांस बीटी लगा लेंगे, मौसम की सख्ती से बच जाएंगे, हमारी पैदावार बढ़ जाएगी, नुकसान से बच जाएंगे। तो मेरा गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि या तो आप पॉलिसी दो तो काश्तकार दिलचस्पी दिखाए। तो एक तरफ तो आप कह रही हैं कि हमें गंदम की जरूरत नहीं है, दूसरी तरफ जब आपको गंदम की जरूरत ख्वाबों में नजर आती है तो फिर आप कहती हैं कि कोई नंबरदार खाली जमीन ना छोड़े गंदम लगाए, कोई घोड़ी पार वाला ना छोड़े, जहां जहां सरकारी जमीन का इंच है वहां गंदम लगाओ। एक तरफ आप सरकारी जमीनों में गंदम लगवाने का रोना रोती है और दूसरी तरफ किसान हाथ पे हाथ रख के बैठा है कि गवर्नमेंट कोई ऐलान करे तो हम गंदम काज करें।